सूरह मोहम्मद का वजीफा है अगर आप इस तरीके पर सूरह मोहम्मद की तिलावत करते हैं जो मैं आपको बताऊंगा तो आपकी हर परेशानी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी, हर हाजत पूरी होगी और जो भी दुआ अल्लाह की जात से मांगेंगे वो दुआ पूरी होगी। इस वजीफे को जिस मकसद के लिए करेंगे वो मकसद पूरा होगा। मोहम्मद बहुत ही प्यारी और बहुत ही मुबारक सूरत है। इस सूरत की जो सबसे प्यारी बात है वो ये है कि ये सूरत नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब है। और याद रहे कि जो भी चीज नाम मोहम्मद के साथ मंसूब की जाती है बाबरकत हो जाती है और इसी वजह से ये सूरत भी बहुत ही बाबरकत है। इस सूरत की तिलावत का एक फायदा यह है कि जो इसको पढ़ता है तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत हो जाती है। तो आपको भी अगर किसी मुश्किल का किसी परेशानी का सामना है तो इस वजीफे को करें और अपनी मुश्किल अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखें, जरूर आपको निजात मिलेगी। वजीफा बहुत ही आसान है। आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ सूरह मोहम्मद की तिलावत करनी है। एक बार करें, तीन बार या सात बार इस सूरत की तिलावत करें और अल्लाह ताला से अपनी परेशानी और अपने मसले के लिए दुआ मांगें। रोजाना वक्त मुकर्रर करके इस अमल को करें। किसी भी वक्त आप इस अमल को कर सकते हैं और अपनी परेशानी के खात्मे की नीयत से इस अमल को तब तक जारी रखें जब तक आपकी परेशानी या मसला हल नहीं हो जाता।